हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक जीरधियानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि होने वाला है रेलवे के लिए। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीडी टू की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन का नाम है आर या पार, जान लगा दो या जाने दो सेशन। और मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर 100% श्योर सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। रीजनिंग के अंदर आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या है आप लोगों के लिए खास। आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे या रेलवे के एग्जाम देने जाएंगे, तो रीजनिंग का रोल तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, और उसी रोल के तहत आज आप लोगों के लिए होने वाले हैं 500 क्वेश्चंस। ठीक है, 500 प्रश्नों का महासंग्राम होने वाला है। आज फ्राइडे का दिन है, 17 सितंबर का दिन है, टाइम होगा 4 बजे का, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप इस सेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के साथ में भी शेयर कर दीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह पर। ठीक है, जहां पर भी आप लोगों के मित्रगण जो हैं जुड़े हुए हैं आप लोगों से, ठीक है, जहां से भी आप लोग स्टडी करते हैं, जहां भी आप लोगों से बात करते हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज शाम को बिल्कुल .4 बजे हम लोग चालू करेंगे महासंग्राम 500 प्रश्नों का। पूरे 46 टॉपिक्स जो रीजनिंग के हैं उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, इन 500 प्रश्नों के साथ में बस बने रहिएगा, आगे चलते रहिएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट नॉन स्टॉप 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन हमारे चालू हो गए हैं। प्रत्येक रात को 9 बजे हम लोग इसे डिस्कस करते हैं एसएससी एग्जाम कैटेगरी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। नॉन स्टॉप 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन, ये बिल्कुल फ्री सेशंस होता है, तो इसको आप लोगों को देखना ही देखना है, क्योंकि यही समझ लो कि आपके सिलेक्शन की चाबी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेली हम लोग लगभग 10 टॉपिक्स उठाते हैं और उसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए संडे को होने वाला है जबरदस्त मेगा कॉम्बेट 22 सॉरी पुराना वाला है दोस्तों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये इमेज मेरे से पुरानी वाली लग गई है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ इस चीज को। ठीक है, 19 सितंबर के लिए रहेगा ये। ठीक है, क्या रहेगा, 19 सितंबर के लिए कॉम्बेट होने वाला है, और वो भी जबरदस्त कॉम्बेट होने वाला है गाइस। इस बार के कॉम्बेट का मेन मकसद ये है कि टॉप के जो 3000 स्टूडेंट होंगे, 3000 टॉप स्टूडेंट जो है उनको मिलने वाली है अप टू 100% स्कॉलरशिप। अप टू 100% स्कॉलरशिप उनको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें और एसएससी कॉम्बेट का आनंद लें। भाई पढ़ाई तो कर ही रहे ना, तो फिर टेस्ट देने में क्या आपत्ति है। यही तो वो चीज है कि जहां से पता लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में, है ना, कितनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोगों को प्रोफाइल मिल जाएगी मेरी अनअकैडमी पर। आप जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे सभी बैचेस को आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस है उन्हें आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा एकदम मस्त तरीके से। स्पेशल क्लास, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस दीपू10 कोड लगाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर लें बैच को, नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। ऑल सेट, चलिए आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लें। मेज के एक ही ओर कौन बैठे हैं, उसने ये पूछा है कि मेज के एक ही ओर कौन बैठे हैं, साइड्स पर कौन बैठा हो, हु इज सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, ये आपके सामने पहला प्रश्न।
चलिए पहला प्रश्न देखिए। डरना तो है ही नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, कुछ भी आ जाए, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो, उसकी मर्जी पड़े जो दे दे एग्जामिनर, हमें तो डट के सामना करना है और फटाफट से जवाब देना। सही है, बनाओ बस आप। आठ व्यक्ति हैं वर्गाकार मेज पर बैठे, जल्दी से बनाइए। आठ व्यक्ति हैं कहां पर बैठे हैं, वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, दो दो प्रत्येक भुजा पर, ठीक है, दोनों ओर बैठे हैं। पी यू से तीन स्थान दूर बैठा है जो आर का निकटतम पड़ोसी है। देखिए पी यू से तीन स्थान दूर बैठा है जो आर का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन वे दोनों मेज के एक ही ओर नहीं बैठेंगे। ये लो, ये भी बोल दिया उसने, जो आर का निकटतम पड़ोसी है लेकिन वे दोनों मेज के एक ही ओर नहीं बैठेंगे। एस क्यू के तिरछे विपरीत विपरीत है जो टी के बाईं ओर है, ठीक है, तो कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। देखिएगा इधर, देखिए सबसे पहले क्या बोला कि पी यू से तीन स्थान दूर है, जैसे मान लीजिए पी यहां पर है तो P से एक स्थान दूर, दो स्थान दूर, तीन स्थान दूर, U यहां गया। P U से तीन स्थान दूर बैठा है जो R का निकटतम पड़ोसी है, तो R का निकटतम पड़ोसी कौन है, U। जो से पहले कौन आ रहा है, जो से पहले कौन आ रहा है, U आ रहा है, तो U R का निकटतम पड़ोसी है। अब अगर U R का निकटतम पड़ोसी है और उसने साथ में ये भी बोल दिया लेकिन वे दोनों मेज एक ही ओर नहीं बैठे, यू आर का निकटतम पड़ोसी है पर आर यहां नहीं बैठा है, ठीक है, क्योंकि वे मेज के एक ही कोने पर नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब आर यहां है। एस क्यू के तिरछे विपरीत है। अब देखिएगा दोस्तों, एक केस आपने ये बनाया लेकिन जरूरी नहीं है कि ये केस सही हो, क्योंकि देखिए एक और केस बन सकता है, आपका दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। P यहां भी हो सकता है, P U से तीन स्थान दूर है, दोनों एक ही साइड पर नहीं है, R यहां भी हो सकता है। P और U, P से के बाद एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, P के बाद एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। यस और नो फटाफट से जल्दी से बताइए, केस ये भी हो सकता है, केस ये भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं हम, तो ठीक है, दिया उसने एस क्यू के तिरछे विपरीत है, क्या बोला है उसने, एस क्यू के तिरछे विपरीत है भाई। अब देखिए अगर एस क्यू के तिरछे विपरीत है तो कहां बन सकता है, सोच के देखो आप, एस क्यू के विपरीत तिरछे बोल रहा है उसने, तो यहां हो सकता है एस और क्यू तिरछे है ना, ये तो सीधा ही हो गया, तो सीधा तो हो नहीं सकता। एस क्यू के विपरीत ये बोला उसने, एस क्यू के तिरछे विपरीत है, तो एस यहां पर, तो क्यू यहां पर, या फिर क्यू यहां पर, या एस यहां पर, ये विपरीत तिरछे नहीं, ये तो विपरीत सीधा हो गया, जो टी के बाईं ओर है, जो टी के बाईं ओर है, तो टी के बाईं ओर कौन है, क्यू, क्यू टी के बाईं ओर है, क्यू टी के बाईं ओर है, ठीक है, क्यू टी के बाईं ओर है, ठीक है, W और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। W और V के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिएगा इधर, जो T के ठीक बाईं ओर है, तो T के ठीक बाईं ओर कौन है, Q है, Q T के ठीक बाईं ओर है, T के ठीक बाईं ओर Q को अगर यहां बनाए, जो टी के ठीक बाईं ओर है, टी के ठीक बाईं ओर क्यू यहां पर है, और क्यू किसके विपरीत है, एस के विपरीत तिरछा है। अब यहां बनाओगे अपन, टी के विपरीत, टी के अपोजिट क्यू, ये बोला था ना उसने, टी के बाएं ओर क्यू है, अगर टी के बाएं ओर क्यू है तो भाई बना ही नहीं सकते फिर तो आप, ये तो सीधा हो गया, तो ये वाला ऊपर वाला केस तो हो गया रॉन्ग। देखिए अब ऊपर वाला केस तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि टी के बाएं अगर क्यू है ना, टी के बाएं अगर क्यू है, देखिए उसने साफ साफ बोला है एस क्यू के तिरछे विपरीत है जो टी के ठीक बाईं ओर है, तो टी के ठीक बाईं ओर क्यू अगर यहां बनाओगे तो ये तो सीधा सीधा हो गया, विपरीत तो हो गया पर तिरछे में विपरीत होना चाहिए था, इस जगह पे आना चाहिए था भाई वो, तो ये वाला केस तो हो गया रॉन्ग और ये वाला केस अभी तक सही चल रहा है। चलिए आगे उसने क्या बोला,
पी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और किसके बीच में एक व्यक्ति है, किसके बीच में एक व्यक्ति बोला उसने, ये भी चेक कर लेते हैं। W और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है जो P का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। W और V के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो W और V, अब देखना इधर Q और S यहां पर तिरछा हुआ था ना, तो Q और S यहां पर भी तिरछा हो सकता है, दो केस बन सकते हैं इसके भी, देखिएगा इधर इसके भी कितने केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं, देखिएगा इधर। अगर मैं Q को यहां ले लूं, देखना अब इधर यहां पर इस जगह न लेकर, अगर मैं Q को यहां ले लूं, ये Q, ये S, ठीक है, इसको सही कर लेना आप, इसीलिए मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहां पर बनेगा V, V और W के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है, और वो P का पड़ोसी भी नहीं है वो व्यक्ति, ठीक है, जो P का पड़ोसी नहीं है, जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है वो P का पड़ोसी नहीं है, और TQ के बाई ओर आएगा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट की जगह राइट कर लेना, यहां लेफ्ट नहीं आएगा, राइट है, हु इज इमीडिएट राइट आएगा, तभी मैं सोचू कि ये गड़बड़ कहां हो रही, हु इज इमीडिएट राइट, बाई ओर नहीं आएगा, ये आएगा दाई ओर, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, जो टी के तुरंत दाएं है, ये बनेगा, ये वाला केस फिर भी नहीं बनेगा, इसको सही कर लेना, जबरदस्ती आंसर मत दिया करो, ठीक है, जबरदस्ती आंसर देने का मतलब नहीं होता, ठीक है। इसको देखो, ये इस तरीके से बनेगा, और पहला प्रश्न उसने है कि मेज के एक ही और कोने पर कौन बैठे हैं, ठीक है, टी और क्यू बैठे हैं क्या, जी नहीं, नहीं बैठे। अगला कोने वी और आर बैठे हैं क्या, वी और आर बैठे हैं, बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वी और आर। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा तिरछे विपरीत है, पी एंड आर, डब्ल्यू एंड एस, पी एंड आर, डब्ल्यू एंड एस, जी नहीं, पी एंड आर बैठे हैं तिरछे, ये हमारा आंसर आ गया, पी एंड आर। एक बार अगर अरेंजमेंट बन गया सही से तो कोई आपत्ति ही नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं बिना पेन चलाए हुए दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर हमेशा 28 होगा। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेन मकसद यही है कि अगर आप वहां गिनने बैठ गए तो हो गया, फिर तो कल्याण। देखिए, एक स्टार में 10 और दूसरे स्टार में 10, और जब इन दोनों के लिए कॉमन निकालोगे तो 8 और कॉमन बनते हैं, हमेशा याद रख लेना, परमानेंटली याद रख लेना इस क्वेश्चन का आंसर, ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, 28 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न फटाफट से करते जाएंगे अब आप, पी आर ई सी आई एस ई, इसकी वैल्यू 375 दी है, और डबल सी यू आर ऑकर की वैल्यू 720 दी है, तो डॉगमा की वैल्यू क्या होगी, बताइए। बनाओ, इवन प्लेसेस को ले लो आप, तो सिंपल, करो, क्या बात है, आंसर भी आ गया, गज्जू ठाकर जी का आंसर आ रहा है 320, गज्जू ठाकुर का आंसर आ रहा है 320। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे सबसे पहले इवन प्लेसेस देख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब भी काफी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, सबसे पहले इवन प्लेसेस लो, इवन प्लेसेस ये कितने पे आएगा, 18 पे, 18 सी कितने पे आएगा, 3 पे, एस कितने पे आएगा, 19 पे, इन सबको जोड़ो,
ये आएगा 40, ठीक है। ऐसे ओड ले लो, ओड प्लेसेस कौन कौन से हैं, ओड प्लेसेस ले लीजिए। पी कितने पे आएगा, 16 पे, 5, 9, 5, 26 और 9 ये बनेगा 35। अब अगर देखो 40 का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 1600, और 35 का स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा 1225। दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा 375, ठीक है। तो सेम टू सेम यही करते हैं, पहले हम लेते हैं इवन, 15 प्लस 13 28, 4 प्लस 7 प्लस 1 ये हो गया 12। 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया ये देखेंगे, ये 144, और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 0 कितना आएगा, 0, 4, 6 कितना आ गया, 640। तो 640 आंसर आएगा। तो जो तुक्के मार रहे थे ना 320 वाले जबरदस्ती के, तो भाई वो क्या सोच के मार रहे थे तो वही जाने, है ना। पर तुक्के से काम करके और सिलेक्शन हो जाता तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था, आता ही है ये लॉजिक, तो यूं मान के चलो कि आएगा ही आएगा, इवन ओड वाला लॉजिक तो हमेशा से आता रहा है और आता रहेगा। लेकिन बहुत ही प्यारा प्रश्न था कि उसका स्क्वायर करके डिफरेंस दे रखा है, थोड़ा सा टफ बना दिया उसने उस क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अब इसको देखिएगा, धातु का संबंध चालन से उसी प्रकार से है जैसे प्लास्टिक का संबंध है, तो बताइए क्या बनेगा। यदि धातु का संबंध चालन से, मेटल में क्या होता है, कंडक्शन होता है, तो प्लास्टिक क्या होता है भाई, इंसुलेशन का काम करेगा, रोकने का काम करेगा भाई, है ना। चले नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ, भी आपको दे रखा है इलिटरेट लिटरेट विलेजर्स, इलिटरेट लिटरेट और विलेजर्स क्या बनेगा। ग्रामीण साक्षर है लेकिन कोई भी साक्षर निरक्षर नहीं है, ग्रामीण साक्षर है लेकिन कोई भी साक्षर निरक्षर नहीं है, क्या ये हो सकता है कि कोई भी साक्षर जो है वो निरक्षर नहीं है, इलिटरेट जो है वो लिटरेट नहीं है। तो सही बात है, ग्रामीण, कुछ ग्रामीण साक्षर तो हैं, पर जो भी कोई भी साक्षर ऐसा है जो निरक्षर नहीं है, दोनों सही बात है, इलिटरेट लिटरेट दोनों अलग, पहला ही सत्य हो गया, पहला ही क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, नंबर सीरीज बनाइए, देखिए देखते जाओ इसको, आप इसको कहोगे कि यार ये +6 हो रहा है, इसमें कहोगे +6, इसमें भी कहोगे +6, अगले वाले में भी +6 कर दो, 39, क्या आएगा, 178। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए आप बनाइए,
देखिए मेहनत करना दोस्तों आप लोगों के हाथ में, ठीक है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, सीधी सी बात। ठीक है, आप सोच रहे हो कि बस मैं सिलेबस पूरा कवर कर लूं और मैं उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊं, इस गलती में कभी भी मत, मॉक टेस्ट साथ के साथ लगाते जाओ, ज्यादा बेस्ट, ज्यादा अच्छा। J greater than equal to L equal to F greater than equal to G। ठीक है, फिर आगे क्या है, K जो है वो J से बड़ा है, J से बड़ा और बराबर कौन है, K और H, K और H दोनों बराबर हैं और वो J से बड़ा। क्या H बराबर है क्या G के? देखिए ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा एच और ये रहा जी, एच और जी में रिलेशन देखिए, एच और जी में एक्चुअल रिलेशन ये है, यानी अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए, बराबर और ग्रेटर, पूरा का पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए, तो वहीं समझ जाना ये केस किसका है, आइदर और। ठीक है, जब पूरा का पूरा रिलेशन, ठीक है, पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होकर आपको दे दे, एच और जी के बीच में रिलेशन ये है ग्रेटर और इक्वल का और दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये केस किसका बन जाएगा, आइदर और। इसका मतलब अभी तो बहुत सारे लोगों को इनइक्वलिटी भी सीखना है ना, तो आज पूरे 46 टॉपिक्स होंगे, शाम को 500 क्वेश्चन होंगे, यानी पूरी रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से करने का बेहतरीन मौका तुम्हारे पास में है, तो 4 बजे बिल्कुल तैयार रहना, 17 तारीख का दिन है आज, पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसको फोल्ड करना है, ये रेलवे के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से आप जानते हो कि इस तरीके का प्रश्न हमेशा से ही एग्जाम में आता रहा। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको फोल्ड करके इधर लेके जाएंगे, देखिए आप जब आप इसको फोल्ड करके इधर लेके जाएंगे, तो जो इधर बन रहा है वो तो पहले इधर बनेगा, जो इधर बन रहा है वो पहले इधर बनेगा भाई, सही है, और इसको जब आप उल्टा करोगे तो ऐसा शेप बनेगा, इस तरीके से बना भाई, इस तरीके का शेप, तो कहां पर दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन में क्लियरली दिखाई दे। चलिए रस्तम, लॉयर्स आर नॉट चीट्स, सम लॉयर्स, कुछ लॉयर्स ऐसे हैं, सम लॉयर्स आर नॉट चीट्स, ठीक है, सम लॉयर्स आर नॉट चीट्स, सम वुमेन आर लॉयर, सम वुमेन आर लॉयर, सम वुमेन आर लॉयर्स, आगे सम वुमेन आर चीट्स, सम वुमेन आर चीट्स, नो चीट आर वुमेन, ध्यान से देखना, सम वुमेन आर चीट, इस डायग्राम में बोल रहा है कुछ वुमेन चीट हैं और फिर बोल रहा है नो चीट आर वुमेन, तो भैया या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, ये केस भी किस पर चला गया, आप ही बताइए ये केस किस पर चला गया, आइदर और पे चला गया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई जबरदस्त तरीके से, और बताइए भाई पागल, मिलनसार, क्रोधी और तेज कौन सा अलग होगा? ठीक है, क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे इस तरीके के, अगर आएंगे तो इजी नहीं है ये क्वेश्चन, इसको आप सोच समझ के कर लेना, जल्दीबाजी मत करना। मिलनसार, क्रोधी, स्नेपी और क्रैंकी, पागल क्या आएगा?
जो पागल व्यक्ति होगा उससे भी लोग दूर जाएंगे, जो क्रोधी व्यक्ति होगा उससे भी लोग दूर जाएंगे, जो तेज होगा उससे भी पीछे रह जाएंगे। सही है नहीं है? तो इसका मतलब अलग कौन हुआ? थोड़ा देखो तो सही यार, मिलनसार एक तरीके से अलग हो गया ना, मिलनसार जीनियल जो है वो अलग हो गया। देखो पागल व्यक्ति उससे दूरी दूरी रहेगी, क्रोधी से दूरी रहेगी, तेज व्यक्ति से, ठीक है, चंट व्यक्ति जिसको अपन बोलते हैं उससे दूरी रहेगी, तो मिलनसार ये एक अलग हो गया, इसके पास जाएंगे लोग। चलिएगा नेक्स्ट, लड़कियों की एक कतार में दीप्ति आगे से 18 जबकि नंदनी पीछे से 16 है। दीप्ति आगे से 18, नंदिनी पीछे से 16। यदि कल्कि आगे से 25 स्थान पर, कौन कल्कि? कल्कि आगे से 25वें स्थान पर, 25th पोजीशन, और दीप्ति और नंदिनी के ठीक बीच में, दीप्ति और नंदिनी के ठीक बीच में, ये 25 नंबर जो है ये दीप्ति और नंदिनी के ठीक बीच में है लेकिन स्टार्टिंग से 25वें नंबर पर, तो कतार में कितनी लड़कियां? सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया यार, तो इनका तो रोल ही खत्म हो गया। भले से ये 18 पे हो, ये 16 पे हो, और ये बिल्कुल ठीक बीच में है, तो अब आप देखिएगा यहां पर अगर ये 25 नंबर पर है तो 18 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 6 संख्याएं आएंगी। यहां पर कितने लोग आएंगे? 6 लोग, ठीक है, ये 6 लोग आएंगे इसके बीच में, तो इसका मतलब 6 लोग यहां भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 लोग यहां भी आएंगे। टोटल कितने लोग हुए? 16, 6, 1, 6 और फिर ये 18। तो देखो 18 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 16, जोड़ लो इनको कितना हो गया? 18 और 6 24 और 1 25, ठीक है, 25 और 6 कितना हो गया? 31। 31 और 10 ये आपके पास में आ जाएगा 41 और 6, टोटल हो गए 47। देयर आर 47, कितने लोग हैं भाई? 47। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, बहुत ही उम्दा लेवल का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सोच समझ के। ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर मैथ्स, ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर मैथ्स, ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर मैथ्स, क्वांट का कुछ भाग ऐसा है जो मैथ्स है। ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर मैथ्स, ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर मैथ्स, क्वांट का कुछ भाग ऐसा है जो मैथ्स है, पर इसका मतलब ये भी है कि कुछ भाग ऐसा है जो मैथ्स नहीं। क्वांट का कुछ भाग मैथ्स है पर कुछ भाग ऐसा भी है जो मैथ्स नहीं है। मोस्ट मैथ्स आर कंसेप्ट्स, मोस्ट मतलब सम में ही आता है, ये भी याद करना, ये सम का ही पार्ट होता है, मोस्ट मैक्सिमम कुछ भी आ जाए, 25%, 80%, 85% मैथ्स आर कॉन्सेप्ट, ऐसे मोस्ट मैक्सिमम कुछ भी आ जाए सम में इंक्लूड करेंगे, तो सम मैथ्स आर कंसेप्ट्स। फिर आगे ओनली कंसेप्ट आर बेस्ड, अब ये ओनली अ फ्यू एक अलग चीज होती है, इसके अंदर क्या होता है? कुछ होता है कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर ओनली वर्ड लिखा हुआ है तो आप लोग अच्छे से जानते हो पीछे वाली चीज पूरी तरीके से अंतर्गत समाहित हो जाएगी इसमें, है ना, तो क्या बनेगा? सारे के सारे बेस क्या है? कंसेप्ट है। अब पढ़ो, फ्यू मैथ्स आर बेस्ड, कुछ मैथ्स जो है वो बेस है क्या? मोस्टली भी सम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कंसेप्ट आर मैथ्स, कंसेप्ट मैथ्स है क्या? बिल्कुल ये सही, तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन, क्या बनेगा आंसर? सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको करिए, बनाइए इसको।
अपने घर के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर जाकर बाएं मुड़ गया, 20 मिनट चले, बाएं मुड़ गया 20 मिनट चले, उत्तर की ओर मुड़कर 30, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मिनट चले, फिर अपने घर की ओर चलने लगा। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं, ये कौन सी दिशा है? ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इधर होगी ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। चार सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को उसकी सभी सतहों से नीले रंग से रखा जाए, ठीक है भाई, और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो वो क्या पूछा है? इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो रंगहीन घन निकालो, रंगहीन क्यूब कितने हो, कलरलेस क्यूब कितने हो, क्या निकालना है? कलरलेस क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास में है। टुकड़े कर दिया हमने छोटे छोटे, अब हमें कलरलेस क्यूब निकालना, देखना अगर कलरलेस निकालना होता है, कलरलेस क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस टू का होल, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस टू का होल टू, यानी कि टू का क्यूब और टू का क्यूब कितना हो जाता है? 8। चलिए अब दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, से समझने की कोशिश करना। यहां पर आपको कुछ शेप्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और आगे आपको एक फिगर दे रखा है, उस फिगर के अंदर कुछ ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ये सारे डॉट्स आप ऐसी कौन सी आकृति है जिसके अंदर आप समाहित कर सकते हो? एक तो है त्रिभुज और सर्कल पर डॉट है, देखो एक तो त्रिभुज और सर्कल पर है, एक है जो स्क्वायर सर्कल पर है, और एक ऐसा है जो सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर तीनों पर है, एक ऐसा है जो सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल तीनों पर। तो देखिए भाई सर्कल और ट्राइंगल पर दिया रहा, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर तीनों का ये रहा, लेकिन अब स्क्वायर और सर्कल पर करना है तो वो कहां पे बने? तो एक करना है सर्कल और ट्राइंगल पर, पर सर्किल ट्राइंगल स्क्वायर पर ही पाएगा, सर्किल और ट्राइंगल पर तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी हो। एक करना था सर्किल और ट्राइंगल पर, एक करना था सर्किल स्क्वायर पर, तो इसमें भी रॉन्ग। तो यहां तो हो गया सर्किल और स्क्वायर, यहां हो गया सर्किल ट्राइंगल स्क्वायर, और एक हो गया ट्राइंगल और सर्किल, एक हो गया ट्राइंगल और सर्किल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा हमारा आंसर? डी ऑप्शन। अब ठीक है बॉयज, हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था कि ये डॉट्स जो हैं, ये डॉट्स किसके साथ मैच करेंगे, ठीक है, ये डॉट्स जो हैं कहां पर मैच करेंगे इस तरीके के शेप के अंदर, तो डी में मैच करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, अगला वाला।
COVERT कवर्ट को लिखा हुआ है TCROEV एडजेसेंट बनाइए। क्या लगाएंगे लॉजिक कवर्ट देखिए हैं तो सारे के सारे लेटर वही, मतलब वो तो है नहीं कि इसके अंदर कोई पैटर्न है, मतलब देखा जाए तो सारे लेटर रिपीट हो रहे, सी यहां आ जाएगा, आर इस जगह, ओ यहां, ई यहां, बी यहां, सही है। तो ऐसा ही लॉजिक लगाना है आपको। तो देखिए टी आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आगे देखें तो सेकंड लेटर एक के बाद एक है, तो डी यहां, ठीक है इस जगह कौन आएगा लास्ट से सेकंड वाला, तो कौन आना चाहिए इस जगह, एन आ जाना चाहिए, फिर ई आ जाएगा, जे आ जाएगा, टी एन डी जे, फिर ए और फिर सी, बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट, ए आएगा या बी आएगा, सी सॉरी जे सी ए बनेगा, सॉरी बिल्कुल ये नहीं बनेगा, जे सी ए बनेगा, सॉरी सी आ जाएगा देन ए, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, धूम्रपान छोड़ने वाले अधिकांश लोगों का वजन बढ़ता है, जो लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं उनका वजन बढ़ना चालू हो जाता है, तो यदि कोई धूम्रपान करना बंद कर देता है तो उसका वजन बढ़ जाएगा, धूम्रपान छोड़ने वाले लोगों का वजन बढ़ता है तो यदि कोई धूम्रपान करना ही बंद कर दे यानी छोड़ दे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। आगे अगर कोई धूम्रपान बंद नहीं करता है तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, इस वाली चीज के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि बढ़ेगा इसका पता है, लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ता है तब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये नहीं कह सकते। तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, मिसिंग नंबर करिए सोल्व, बनाइए। देखिए 56 - 22 = 34, 15 - 8 = 7, इन सबको जोड़ दो तो ये हो गया 41, यानी इसको और इसको, सही है। ऐसे इसको और इसको देखो, 34 - 14 = 20, 11 - 8 = 3, कितना हो गया 23, 23 कहाँ है यहां पर, ये 6 है, अगर यहां पर 6 है तो यहां बनेगा 5, फिर जोड़ देंगे तो बनेगा 25, याद चलेगा आपको। इसका आंसर बताना है कि P का T से क्या संबंध है, P@Q $M
p@q$m#t बनाइए। सबसे पहले तो ये देखो कि एट दी रेट का मतलब क्या है। एट दी रेट का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि पी क्यू का पति है, सही है। फिर आगे दे रखा है डॉलर, डॉलर का अर्थ है माता, क्यू एम की माता है। हैशटैग का मतलब है पिता, एम टी का पिता है, सही है। तो रिलेशन पूछा जा रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, तो टी की दादी और ये हस्बैंड तो कौन हो गया, दादा। पी जो है वो टी का दादा हो, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा हो। जोड़ भागी गुणा भाग तो आप कर लोगे, इसको करके बताओ आप। जया अनीता से जितनी छोटी है उतनी ही प्रिया से बड़ी भी है। जया अनीता से जितनी, सॉरी, अनीता से जितनी छोटी है उतनी प्रिया से बड़ी भी है। यदि अनीता और प्रिया की आयु का योग 48 वर्ष है, अनीता और प्रिया की आयु का योग 48 वर्ष है, ठीक है, तो जया की उम्र कितनी होगी, इन दोनों की एज कितनी है, 48 है। तो बनाइए भाई, अगर इन दोनों की एज 48 है तो आप क्या करेंगे, अब क्या आंसर आएगा। बताओ भाई बताओ, ये लो, एक बच्चे का आंसर आ रहा है सी एंड डी, क्वेश्चन जमाना ही नहीं आता इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ना आप, तो आपको तो जो बोल रहा है आप तो वो करो। जया अनीता से जितनी छोटी है उतनी ही प्रिया से बड़ी भी, ठीक है, तो इसमें कौन अनीता बड़ी, अनीता जया से छोटी है परंतु परंतु उतनी ही प्रिया से बड़ी भी है, प्रिया से बड़ी भी है। ठीक है, क्लियर है। यहां तो जया अनीता, जया अनीता से जितनी छोटी है उसका एक मान आएगा, उतना ही मान किसके बराबर है, उतनी ही प्रिया से बड़ी भी है उसके बराबर है। तो बस उसको सोल्व कर लो, अनीता प्लस प्रिया बराबर ट्वाइस ऑफ जया, और अनीता और प्रिया की आयु का योग आपको 48 दे रखा है, तो 48/2 बराबर जया, तो जया की एज कितनी आ गई, 24 आ गई। जया की एज कितनी आ गई, 24, खत्म। चलिए शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या बनेगा शब्दकोश का क्रम, ACAR ACAN ACAP ACAR ACAR, तो ACAR 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 ACAR, फिर IDO IDO, एन है यहां पे पी ए, 3-5 RRR IDO, उसके बाद 4, फिर 1, फिर 2, 3-5-4-1-2,
ये आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. यदि मार्च एफ से संबंधित है तो अगस्त किससे संबंधित है? यदि मार्च एफ से संबंधित है तो अगस्त किससे संबंधित है? यदि मार्च एफ से संबंधित है तो अगस्त किससे संबंधित है? मार्च आता है तीसरे नंबर पे, 3 × 2 = 6 यानी कि एफ. तो ऐसे ही अगस्त, अगस्त आता है 8 पे, 8 × 2 = 16, 16 पे क्या आ जाएगा? पी. चलिए नेक्स्ट. एक कलाकार के पास 7 पेंटिंग्स हैं. ध्यान से देखना प्रश्न को. एक कलाकार के पास ठीक 7 पेंटिंग्स हैं जिसमें से उसने एक प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए ठीक 5 को चुनना होगा. कोई भी संयोजन स्वीकार्य है बशर्ते निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे. यदि टी चुना जाता है तो एक्स नहीं चुना जा सकता. बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है. यदि टी चुना जाता है, ध्यान से देखना, यदि टी चुना जाता है तो कौन सा नहीं चुना जाता? एक्स चुना नहीं जाता. यानी टी और एक्स साथ में नहीं आएंगे, सीधा सा मतलब यही हुआ ना. फिर आगे ले आई, यदि यू चुना जाता है तो वाई को भी चुना जाएगा, ठीक है, और वी चुना जाता है तो एक्स को भी चुना जाएगा. तो देखिएगा, अगर टी पहली कंडीशन दी है, यदि टी को चुना जाता है तो एक्स को नहीं चुना जाएगा, है ना. यदि यू को चुना जाता है तो वाई को चुना जाएगा, अगर V को चुना जाता है तो X को भी चुना जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए चित्रों का एक स्वीकार्य संयोजन है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है. टी यू वी एक्स वी, देखो यू वाई वी एक्स, यू वाई आएगा तो वी एक्स आएगा, एक्स के साथ तो वी आएगा ही आएगा. टी लिया है तो फिर एक्स नहीं आएगा, तो वी भी नहीं आएगा. तो वी एक्स यू वाई, वी एक्स यू वाई और जेड, वी एक्स यू वाई जेड, कौन सा आंसर बनेगा जल्दी से बताओ. डी बन जाएगा, ये बन जाएगा. देखिए अब देखिएगा, यहाँ पे कंक्लूजन फाइनल निकल जाएगा. लास्ट वाले ऑप्शन को देखो आप, यू और वी दोनों को चुन लिया तो यू के साथ फिर वाई भी लेना पड़ेगा और वी के साथ एक्स भी लेना पड़ेगा और एक और प्रदर्शनी ले ली उसने, कौन सी? जेड. ये बन गया डी ऑप्शन. मजा आया, कर सकते हो इस तरीके के प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो. सभी लोग दिल से लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है. क्वेश्चन की साइज देखकर कभी भी मत घबराना कि यार ये क्वेश्चन इतना बड़ा है यार, अरे यार इसको करेंगे क्या, ये चीज मत सोचना बस जीवन. रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी लेंथ बड़ी हो सकती है लेकिन उनको जब सॉल्व करोगे तो बहुत ही छोटा सा आंसर निकल गया, ठीक है. चलिएगा अगला देखिए, प्रश्न को देखिए ढंग से क्या करता है. तो 155 + 15 + 10 + 30 कितना बना, इनको जोड़ो, 70 80, ये हो गया 210, हो गया 210. फिर आगे माइनस का साइन, माइनस 25 और 35, ये 40 50 60 70 80 90 100 105 130 150, ये हो गया 150. पीछे वाला हो जाएगा 150, माइनस कॉमन ले लो,
इसको ले लेते हैं एक बार, 20 और 25, 20 25 20, दोनों का डिफरेंस देख लो। क्वेश्चन सही तो है ना? अच्छा यहाँ पे स्टार है, इस जगह स्टार कर लेना, ये स्टार है भाई, ये इस जगह स्टार है भाई, ये माइनस होएगा, 15 माइनस 5 सीधा ही कर लो, यहाँ 10 लिख लो फिर, 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 30, ठीक है, 10 और 10 20, ये 50 60 और ये हो रहा है आपका 65, फिर तो ये 10 ही रह गया ना सिंपल सा, 155 की जगह तो ये 65 होगा, और इधर वाला अपना क्या हो गया, 60 70 80 90 100 105 130 और 150। हाँ गड़बड़ हो रही है, चाइन साइन सही नहीं है क्या इसमें, स्टार फिर यहाँ पे क्या है, +15 फिर +10 प्लस 30 -25 -35, अच्छा डॉलर है, इस जगह डॉलर का साइन है, ठीक है, तो यहाँ तक तो 65 हो गया भाई, ठीक है ये 65 हो चुका है, 65 हो गया, इसके बाद माइनस का साइन लगाओ, ये आ जाएगा 60 60 70 80 85 85, माइनस का 85 प्लस का 20, माइनस का 85 प्लस का 20 ये हो गया माइनस का 65, माइनस का 65 और ये 70 80 90, माइनस के 110, ठीक है, 65 प्लस के 65 और माइनस के 110 ये हो गया माइनस का 45, ठीक है, ये आपका आंसर, मतलब कर लोगे इस तरीके के प्रश्नों में आपको आपत्ति नहीं आएगी, कोई दिक्कत, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग करिएगा, शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को करना है आपको, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा दोस्तों तैयार रहना बिल्कुल 500 क्वेश्चंस के लिए, आज सभी लोग शाम को सभी दोस्तों वगैरह के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि 500 का महासंग्राम होने वाला है, बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन होने वाला है, जिसके अंदर पूरी रीजनिंग को हम लोग कवर करेंगे, और रीजनिंग के एक एक छोटे 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 टॉपिक जो है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, कोशिश रहेगी उनको कवर करें, हो सकता है 500 से ज्यादा प्रश्न भी हो जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि मिनिमम इतने प्रश्न तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो टाइमिंग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 4 बजे का समय रहेगा अपना, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस जो है अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, रात को 9 बजे स्पेशल क्लास के रूप में दोस्तों आप लोगों को मिलता है एसएससी एग्जाम कैटेगरी में, तो बिल्कुल तैयार रहना, नॉन स्टॉप 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री सेशन अपना ये कंटिन्यू चालू हो गया है, इसके अलावा 10 बजे भी अपनी क्लास होती है जिसके अंदर सुपर मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रात, इसके अलावा टॉप 3000 जो स्टूडेंट्स है दोस्तों उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि उनको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एसएससी कॉम्बैट देना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस संडे को यानी कि 19 सितंबर को आपको दोपहर 12 बजे एक टेस्ट लगाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अपना जो बैच है वो चालू हो गया है, तो आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग प्रोफाइल को सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे, जिससे आपको सारे बैचेस स्पेशल क्लासेस सब कुछ आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी दोस्तों आप लोगों को एक्सेस करने को मिलेंगे, दीपू 10 कोड लगाकर आप 10% डिस्काउंट के साथ में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें जीवन में, ठीक है, मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पीडीएफ नीचे का जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा उसका लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें, ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।